भागलपुर जिले में मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 3 का ऑडिशन स्थानीय होटल में किया गया। इस ऑडिशन में भागलपुर जिला के अलावे गया, कटिहार, बांका, कहलगांव जिले से आए तकरीबन 65 मॉडल ने अपना जलवा बिखेरा, जिसमें फीमेल मॉडल 30 और मेल मॉडल की संख्या 35 थी। मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 3 के ऑडिशन के ऑर्गेनाइजर मिस्टर साहिद स्मिथ और को ऑर्गेनाइजर सागर सिंह थे। वहीं निर्णायक की भूमिका में मिस्टर शुभम आतिफ, मिस्टर शिव शंकर, मिस अमीशा भारती थी। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर शहीद स्मिथ ने बताया कि इस कार्यक्रम को कराने का हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है, जो मॉडलिंग क्षेत्र में अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म देना एवं मॉडलिंग की जानकारी देना। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जो मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीजन 3 के ऑडिशन में अच्छा करेंगे, उन्हें आगे की प्रतियोगिता के लिए मौका दिया जाएगा। सुनिए इस पूरे मौके पर ऑर्गेनाइजर मिस्टर शाहिद स्मिथ क्या कुछ कह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है और मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ, और ये हमारा जो है मिस्टर एंड मिस फेस ऑफ भागलपुर सीज़न 3 का यहाँ पे ऑडिशन चल रहा है, और हम लोगों ने इससे पहले सीज़न 1, सीज़न 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। और हम लोग का ये मॉडलिंग शो को जो करवाने का जो सीधा सीधा सा जो उद्देश्य है, यहाँ पे क्या है ना, भागलपुर में बहुत सारे मॉडल्स हैं जो काफ़ी अच्छे पर्सनैलिटी हैं और काफ़ी अच्छे बहुत सारे स्किल्स भी हैं। यहाँ पे क्या है ना, एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है, और जहाँ यहाँ के मॉडल्स जो हैं बाहर जाके पार्टिसिपेट करते हैं और एक शोज़ करते हैं, इसलिए हमने सोचा अगर हम लोग यहाँ पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म ले कर आते हैं और यहाँ पे शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो यहाँ के मॉडल्स बाहर क्यों जाएंगे। अगर हम लोग यहाँ से मॉडल्स को सेलेक्ट करके अगर बाहर पुश करते हैं, स्टेट लेवल पे पुश करें, तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। और हमने ऐसा सोचा और हमने आज तक यहाँ पे यहाँ तक लेके आए और यहाँ पे इसका सीजन 3 का ऑडिशन चला रहे हैं। जो मॉडल सेलेक्ट होंगे तो उनके लिए आगे क्या है? तो आपने मिस्टर साहिद स्मिथ को सुना। आपको बताते चले कि यहाँ पर बिहार के कई जिलों से जो लड़के लड़कियाँ हैं जो मॉडलिंग में रुचि रखते हैं, उन्होंने अपना जलवा, अपना हुनर, अपना दमखम दिखाया कि कैसे वो मॉडलिंग में अपनी छाप छोड़ते हैं। अगर वो जजों के दिलों पर छाप छोड़ने में कामयाब रहे तो उन्हें इससे आगे भी मौका दिया जाएगा। लेकिन आपकी राय क्या है इस बारे में, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया।